बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इस पोर्शन में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। यू हैव टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रिसर्च लॉजिकली अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स, कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने रिसर्च के बाद हासिल की, जो रिसर्च करने के बाद आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची है, आपने उसको प्रेजेंट करना है, उसको लिखना है एक ऐसे अंदाज में कि हेडिंग्स भी हों और लॉजिकली उसको अरेंज करना है और अंडरस्टैंडेबल मैनर में रिप्रेजेंट कर देना है। द सेकंड इज डिस्क्राइब इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। क्या करना है आपने कि वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम रिसर्च जो है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के बाद उसका जो तमाम उसका उसके फिनोमेना जो है वो जितना जितना भी इम्पोर्टेंट फिनोमेना है उसको इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्राइब कर देना है। एंड द लास्ट थिंग इज हाईलाइट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर रिसर्च, कि एक्चुअल में आपके रिसर्च की जो ओरिजिनलिटी है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, सॉल्यूशंस हैं आपके पास, उनको हाईलाइट कर देना है। Okay. Answer these questions. What problem did you face? What solutions did you offer? And what are the outcomes of these solutions? कि आपने अपनी जो रिसर्च की है, आपने जो अपनी रिपोर्ट रेडी की है, इस रिपोर्ट को रेडी करने के बाद या रेडी करते हुए कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़े हैं, कौन से सॉल्यूशंस जो हैं, कौन सी रिकमेंडेशंस आप ऑफर कर रहे हैं, और इन सॉल्यूशंस के बाद इनके जो आउटकम्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे। मेक क्लियर योर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। आपने अपना जो प्रोसीजर, आपने जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर किया है, जो मेथडोलॉजी यूज की है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं, वो आपने उस पूरे प्रोसीजर को क्लियर अंदाज में बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। यूज फिगर्स एंड टेबल्स, ओके, वेरी इजी। डू नॉट टायर द रीडर विद लेंथी डिस्क्रिप्शन ऑफ रूटीन टेक्निकल कंसर्न्स। आप बहुत ही लेंथी डिस्क्रिप्शन अपनी रूटीन की टेक्निकल कंसर्न से रिलेटेड आप उनको रिप्रेजेंट करके बोर नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि वो वाली तमाम डिस्क्रिप्शन जो बहुत ही लेंथी है, जिनको इतना लेंथी नहीं होना चाहिए, अगर आप उस तरह की लेंथी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे तो आपके रीडर को टायर कर देंगी, आपके रीडर को बोर कर देंगी। द नेक्स्ट पोर्शन इज कंक्लूजन। इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव एंड ब्रीफ समरी, summing up of the essential features of your research, including, मतलब के conclusion portion वो वाला portion है जिसमें बहुत ही strong, effective और brief sum up किया गया है research के उन तमाम features को जो कि आपने शामिल किए हैं इस report के अंदर। और वो features कौन कौन से हैं? First one is whether you have achieved your main goal, कि आया के आपने वो अपना मेन गोल, जिस गोल की वजह से या जिसकी वजह से या वो गोल, वो टारगेट गोल जिसकी वजह से वो रिसर्च की जा रही है, आया कि आपका वो गोल जो है वो अचीव हुआ है या नहीं। सेकंड इज द मेन फाइंडिंग्स विद स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। वो तमाम फाइंडिंग्स, वो तमाम सॉल्यूशंस, वो तमाम नतायज जो कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के आपके पास रिसीव हुए हैं, आया कि वो वैसे हैं या नहीं। फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च एंड देयर सिग्निफिकेंस। आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आया के आपके वो कौन से इम्पॉर्टेंट आउटकम्स हैं रिसर्च के और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट के करने के बाद कौन से सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आपको रिसीव हुए हैं, ये तमाम चीजें आपने कंक्लूजन में मेंशन करनी है। Next point is references. Create an accurate list of references cited in the report. First, you give a credit to the original author. Second,
your readers can find useful related works. Third, references identify the background of your investigation. Try to list and number references by alphabetical order of the author name. मतलब क्या है कि आपने एक एक्यूरेट लिस्ट बनानी है अपने तमाम उन रेफरेंसेस की जिनको कोट किया गया है आपकी उस रिपोर्ट के अंदर. क्या आपकी उस रिपोर्ट के अंदर जो जो रेफरेंसेस आपने यूज किए हैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनानी है. और लिस्ट किस हिसाब से बनानी है? सबसे पहले आपको क्रेडिट देना है ओरिजिनल ऑथर को. सेकंड वन, आप अपने रीडर्स को और उसके रिलेटेड जो यूजफुल रिलेटेड वर्क्स किए गए हैं उनको क्रेडिट देंगे. एंड थर्ड, आप वो तमाम रेफरेंसेस जो आइडेंटिफाई किए गए हैं आपकी उस इन्वेस्टिगेशन के बैकग्राउंड में, वो तमाम रेफरेंसेस जिसमें जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं, आपकी उस रिसर्च में शामिल हुए हुए हैं, आप उन तमाम को नोट करेंगे. आप ट्राई करेंगे कि उनकी एक लिस्ट बनाएं नंबर के हिसाब से जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो. ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज एक्नॉलेजमेंट. डू नॉट फॉरगेट टू इंक्लूड एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड इन योर वर्क. टू नॉट हर्ट एनीवनस फीलिंग्स. हेल्प विद रिपोर्ट राइटिंग मस्ट बी रिवॉर्डेड. कि आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे उन तमाम लोगों को शामिल करना जिनको आपने, जो आपके उस काम में, आपकी उस रिपोर्ट में शामिल हुए हैं, और आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, और अपनी उस रिपोर्ट के अंदर आप उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज करेंगे. आप अपनी रिपोर्ट के अंदर उनको शामिल करेंगे और उनको रिवॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट पोर्शन इज फिगर्स एंड टेबल्स. दे present information and data in an easy to understand way, integrate them into the main body. Proper examples you can find in this Google book. Okay, matlab kya hai inka, ke wo tamam figures, wo tamam tables, wo tamam reports jinko aap shamil karna cha rahe hain, aur wo tamam cheeze jo aapne through tables unko discuss karni hai, aap unko figures mein aur unko tables ke andaaz mein pesh karke represent karenge. And the next thing is appendices. If you have two detailed materials, raw material or comprehensive drawing, include them in appendices. Each appendix has its own number or letter and title as well. It also must be referred to by number at the needed point in the body. Appendices usually include diagrams, extensive calculations, lab sheets, lengthy computer programs, etc. They should look nice, classify and organize them. मतलब क्या है इसका कि आपके पास वो तमाम मटेरियल जो रॉ मटेरियल पहुंचा है रिपोर्ट रेडी करते हुए, वो तमाम का तमाम डाटा जो आपके पास मौजूद है उसको कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइंग में आपने शामिल करना है. और बेसिकली ये अपेंडिक्स का लफ्ज़ जो है ये लैटिन है और इसके मानी है हैंग अपॉन. मतलब क्या है कि आपने इसमें अपना वो तमाम सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है उसकी कलेक्शन करनी है. और यूजली इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट्स, जैसे कि एकेडमिक पेपर्स होते हैं, कोई प्रपोजल्स होते हैं, कोई ग्रांट्स होती हैं, और इन सब को आपने शामिल करना है. जैसे कि डायग्राम्स में कोई एक्सटेंसिव कैलकुलेशन आपके पास है, कोई लैब शीट्स हैं. मतलब क्या है कि वो तमाम रॉ मटेरियल जो रिसर्च में आपके पास पहुंचा है आपने उस सप्लीमेंट्री मटेरियल को कलेक्शन करनी है एक ऐसे अंदाज में, और जो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी दैट शुड बी एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, जैसे कि कोई एकेडमिक पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं. There are some other tips in report. First one is writing technical report demands not just reporting your data but explaining and analyzing it
मतलब कि टेक्निकल रिपोर्टिंग में आपने सिर्फ उसकी रिपोर्ट, उसकी डिमांड सिर्फ ये नहीं होती कि आपने अपने डाटा को रिपोर्ट कर देना है, बल्कि उसमें वो तमाम डाटा जो आप कलेक्ट करेंगे, वो तमाम मटेरियल जो आपके पास रिसीव होगा, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है और उसको एनालाइज भी करना है. पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च. आपने अपनी उस रिसर्च रिपोर्ट में जो सिग्निफिकेंस उसकी है और उसकी जितनी भी लिमिटेशंस है उनको पॉइंट आउट करना है. बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना है. टेक्निकल राइटर्स यूजली यूज अ स्पेलिंग चेकर ऑन योर फाइनल रिपोर्ट. मतलब क्या है कि समटाइम्स आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो आमतौर पे जो स्पेलिंग चेकर होता है वो टेक्निकल रिपोर्ट में यूज किया जाता है. डोंट जनरलाइज, डोंट मेक स्टेटमेंट्स यू कैन नॉट प्रूव. ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी ना जिनको आप प्रूव नहीं, जिनको प्रूव नहीं कर सकते, जिनका कोई स्टेटमेंट, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, उनको शामिल नहीं करेंगे. यूज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी व्हेन दे आर एप्रोप्रिएट. कोई मुनासिब किस्म की कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी टर्म्स जिनको आप मुनासिब समझते हैं, जो कि यूज करनी चाहिए, उनको जरूर यूज करना चाहिए. मेक योर टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग क्लियर. डू नॉट यूज टू लेंथी सेंटेंसेस व्हिच आर हार्डली अंडरस्टैंडेबल फॉर एन एवरेज रीडर. आपका वो वाला रीडर जो एक एवरेज किस्म का है, अगर वो आपकी ऐसी टफ स्टेटमेंट जिनको आपने शामिल किया होता है, जो कि शामिल नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए बोरियत का बाइस बनेगा. तो इसलिए आपने अपनी जितनी भी लेंथी सेंटेंसेस हैं या लेंथी स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज नहीं करना. प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशन आर नॉट इवन डिस्कस्ड. नेक्स्ट, साइट रेलिवेंट सोर्सेस. ओके, मतलब आप अपने जो रेलिवेंट सोर्सेस हैं सिर्फ उनको यूज करें. सारे सोर्सेज आपको, जिसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता, ऐसी स्टेटमेंट्स को, ऐसे रेफरेंसेस को कोट नहीं करेंगे. डोंट ओवर यूज बोल्ड Italicis and underlining. आप कुछ स्टाइलिश बनाने के लिए बोल्ड नहीं करेंगे, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे जिनको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, किसी को आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट से हटके कुछ बयान करना चाह रहे हैं, ऐसा मत आप यूज करें. कीप ग्राफ्स एंड टेबल्स सिंपल. अपने ग्राफ्स और अपने टेबल्स जो हैं वो सिंपल से सिंपल रखें, ताकि वो समझने के लिए आसान हो. मेक श्योर दे कैन बैकअप योर स्टेटमेंट्स. और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी वो तमाम स्टेटमेंट्स जिनको आपने अपनी उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है उनका बैकअप हो. प्रूफ रीड, उसको दोबारा से पढ़ें. प्रूफ रीड दोबारा पढ़ें. प्रूफ रीड दोबारा पढ़ें. मतलब आप अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, दैट इज प्रूफ रीड. क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट जो आपने रॉन्ग यूज की, उसका इम्पैक्ट और उसके आउटकम्स जो हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव आएंगे. बी अ स्मार्ट टेक्निकल रिपोर्ट राइटर. और अगर आप एक स्मार्ट टेक्निकल रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो टारगेट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फिल करके उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है. लेकर रिप्रेजेंट करने से पहले यू हैव टू रीड थॉरली. ओके बेटा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में.